हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त महेश कुमार। और आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन रिलेटेड टू बॉयंसी एंड फ्लोटेशन। फ्रेंड्स, मैंने इसका थ्योरेटिकल पार्ट ऑलरेडी डिस्कस किया है, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूं, आप वहां से उसे देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन इज, ए शिप 70 मीटर लॉन्ग एंड 10 मीटर ब्रॉड हैज ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 19620 kN। अ वेट ऑफ 343.45 kN is moved across the deck through a distance of 6 meters. This ship is tilted through 6 degrees. The moment of inertia of the ship at waterline about its fore and aft axis is 75% of moment of inertia of the circumscribing rectangle. The center of buoyancy is 2.25 meters below waterline. Find the metacentric height and position of center of gravity of ship. स्पेसिफिक वेट ऑफ सी वाटर इज 10,104 Nm³। लेट्स अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, व्हाट द क्वेश्चन इट इज सेइंग। फ्रेंड्स, दिस इज द शिप, दिस इज द शिप, और वेट इज देयर। यह वेट क्या करेगा फ्रेंड्स, मूव करेगा लाइक दिस। इफ यू सी द टॉप व्यू ऑफ द शिप, सो दिस इज द एक्चुअल शिप। ओके, its length is equal to 70 meter and width is equal to 10 meter. Length is equal to 70 meter, width is equal to 10 meter and a displacement of 19620 newton. So friends, जो total weight है, total जो weight आएगा, displacement आएगा, वो कितना आएगा? 19620 kN होगा। A weight of 343.45 kN is moved across the deck. So, जो भी डेक है इसका फ्रेंड्स, जो भी डेक है इसके अक्रॉस जो है यह वेट मूव कर रहा है। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ दिस वेट इज इक्वल टू दिस 343.45 kN। ओके, जो टोटल वेट आएगा, दिस पार्ट इज W1 एंड दिस पार्ट इज W2। सो जो टोटल वेट होगा फ्रेंड्स, जो टोटल वेट होगा वो क्या होगा, W is equal to W1 plus W2 and its total weight is equal to 19620 kN. Getting friends? Now it is saying that it is moving. It is moving across the deck. Across the deck through a distance of 6 meter, the ship is tilted through 6 degree. इट मीन्स फ्रेंड्स, यह क्या है, जो जो वेट स्मॉल वेट है, इट इज मूव्ड अक्रॉस द डेक, एक्स इज इक्वल टू 6 मीटर एंड द एंगल विच इज मेड वाइल टिल्टिंग इज थीटा इज इक्वल टू 6 डिग्री। ओके फ्रेंड्स, नाउ वन मोर पॉइंट इज हियर, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द शिप एट वाटर लाइन अबाउट इट्स फोर एंड एफ्ट एक्सिस इज 75% ऑफ moment of inertia of the circumscribing rectangle. Friends, this is the actual ship. जब हम इसको टच करते हुए एक rectangle बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, length is equal to 70 meter and width is equal to 10 meter. तो इसका जो moment of inertia, rectangle का जो moment of inertia होगा, actual moment of inertia कितना होगा, यह जो है 0.75 मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगल। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा फ्रेंड्स, हम क्या लेते हैं, लिस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेते हैं। तो लिस्ट कितना हो जाएगा, लिस्ट के केस में लेंथ इनटू बी के क्यूब बाय 12। सो जो एक्चुअल होगा आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्चुअल इक्वल टू 0.75 इंटू आई लिस्ट, और वी कैन से फ्रेंड्स आई एक्चुअल हो जाएगा 0.75 L into B cube divided by 12. Getting friends? Now friends, here it is saying that the center of buoyancy, just you see the line, the center of buoyancy is 2.25 meter below the water line. Find the metacentric height and position of center of gravity of ship. Specific weight of ship water is 10104
न्यूटन पर मीटर क्यूब। इट मीन्स फ्रेंड्स, अगर यह जो है यहाँ पर जो सी है, वाटर लेवल है, दिस इज द वाटर लेवल, सो दिस इज द सेंटर ऑफ बोयंसी एंड इट इज बिलो 2.25। तो फ्रेंड्स दो चीजें हमें फाइंड करनी है। पहला, फर्स्ट पॉइंट इज वी हैव टू फाइंड द मेटासेंट्रिक हाइट जी एम, वी हैव टू फाइंड द मेटासेंट्रिक हाइट जी एम, एंड द सेकेंड पॉइंट इज दैट वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम द फ्री सर्फेस। तो फ्री सर्फेस से सेंटर ऑफ ग्रेविटी की क्या वैल्यू होगी एंड दूसरा क्या है, मेटासेंट्रिक हाइट जी एम वी हैव टू फाइंड। क्लियर फ्रेंड्स, दिस इज द क्वेश्चन डिटेल। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस वन। हियर लेंथ इज इक्वल टू 70 मीटर, विड्थ इज इक्वल टू 10 मीटर, वेट टोटल वेट इज इक्वल टू 19620 किलो न्यूटन एंड स्मॉल वेट इज इक्वल टू 3.45 किलो न्यूटन। एक्स इज इक्वल टू 6 मीटर, थीटा इज इक्वल टू 6 डिग्री। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो एक्चुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 0.75 मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगल। गेटिंग फ्रेंड्स, नाउ वी नो दैट दिस इज द एक्सपेरिमेंटल मेथड, सो जीएम इज इक्वल टू स्मॉल डब्लू 1 एक्स अपॉन टोटल डब्लू 10 थीटा। दिस इज द फॉर्मूला ऑलरेडी डिराइव्ड, दिस ऑलरेडी एक्सप्लेन इन आवर थ्योरेटिकल लेक्चर फ्रेंड्स, जस्ट यू चेक इट। सो यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ सॉरी यहाँ पर फ्रेंड्स जो मेटासेंट्रिक हाइट होगा जी एम, इट्स फॉर्मूला इज देयर स्मॉल डब्लू 1 एक्स अपॉन कैपिटल डब्लू इंटू 10 थीटा। सो स्मॉल वैल्यू इज इक्वल टू डब्लू 1 की वैल्यू कितना दिया फ्रेंड्स, 3.45 इंटू एक्स इज इक्वल टू 6 मीटर डिवाइड बाई टोटल वेट। दिस टोटल वेट इंक्लूड्स डब्लू 1 प्लस डब्लू 2। डब्लू 1 डब्लू 2 क्या है फ्रेंड्स, यहाँ से ऑलरेडी मैंने बताया दिस स्मॉल पार्ट इज डब्लू 1 एंड अगर इस वेट को हटा दें तो जो भी बचता है वो बॉडी का वेट कितना हो जाएगा, डब्लू 2। सो टोटल डब्लू इज इक्वल टू व्हाट, डब्लू 1 प्लस डब्लू 2 इज इक्वल टू 19620, ऑलरेडी इट हैज गिवन। सो फ्रेंड्स जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जी एम इज इक्वल टू आएगा, जो मेटासेंट्रिक हाइट आ जाएगा फ्रेंड्स 0.999 मीटर। ओके लेट्स सॉल्व दिस वन आल्सो। हाउ मच इट इज देयर, 3.45 इनटू 6 डिवाइड बाय 19620 इनटू 10 6 डिग्री। सो इट विल गिव फ्रेंड्स 0.999 वैल्यू इट विल गिव। नाउ फ्रेंड्स वी नो दैट द मेटासेंट्रिक हाइट, सो यहां पर फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया फ्रेंड्स, व्हाट इज द मेटासेंट्रिक हाइट, वी हैव टू फाइंड, क्या फाइंड करना था फ्रेंड्स, फाइंड द मेटासेंट्रिक हाइट एंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द शिप। तो फ्रेंड्स हमने फर्स्ट पार्ट क्लियर कर लिया है कि मेटासेंट्रिक हाइट जी एम कितना होगा, जी एम कितना होगा फ्रेंड्स 0.999 मेटासेंट्रिक हाइट की वैल्यू हमें मिल गई है। ओके नाउ वी नो दैट फ्रेंड्स जो मेटासेंट्रिक हाइट होता है वह क्या होता है, मेटासेंट्रिक हाइट जी एम इक्वल टू क्या होता है फ्रेंड्स, मेटासेंट्रिक हाइट होता है, अगर ये थ्री पॉइंट्स कंसीडर करें, सेंटर ऑफ बॉयंसी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड मेटासेंट्रिक हाइट, तो मेटासेंट्रिक हाइट जी एम इक्वल टू बी एम माइनस बी जी, एंड वी नो दैट द बी एम वैल्यू इक्वल टू हाउ मच, जो बी एम की जो वैल्यू होती है फ्रेंड्स वो कितनी होती है, आई लिस्ट अपॉन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ये वैल्यू होती है। तो इस केस में कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, जी एम कितना हो जाएगा, आई जो एक्चुअल आया है, एक्चुअल हमने फाइंड किया है अपॉन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड माइनस बी जी। सो फ्रेंड्स जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो एक्चुअल है वो तो कितना है, 0.75 मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगल। फिटिंग फ्रेंड्स, तो यहां से हम फाइंड कर लेंगे जो लीस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगल है वो तो कितना हो जाएगा, L इंटू बी का क्यूब डिवाइड बाई 12, L इंटू बी का क्यूब डिवाइड बाई 12। तो L कितना है फ्रेंड्स, L 70 है, B कितना है 10 है,
सो कितना हो जाएगा 70 इंटू 10 का क्यूब डिवाइड बाई 12, इट्स वैल्यू विल कम 5833.33 मीटर क्यूब. ओके फ्रेंड्स, नाउ वी हैव टू फाइंड द एक्चुअल वैल्यू. सो फ्रेंड्स, एक्चुअल जो वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा 0.75 इंटू दिस वैल्यू, कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 5833.33. ओके फ्रेंड्स, दिस इज क्लियर. नाउ व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड. सो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड कितना होता है फ्रेंड्स, लेट्स अंडरस्टैंड हियर. जो वेट ऑफ बॉडी होता है वो वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड. सो जो टोटल फ्लूइड डिस्प्लेस्ड की वैल्यू कितना दिया है 1960 किलो न्यूटन दिया है. सो वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू, वी नो दैट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड जी इंटू वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड. ओके फ्रेंड्स, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इंटू जी इंटू वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड. सो वी हैव टू फाइंड दिस वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड. हाउ वी विल डिवाइड बाई दिस टर्म इन वेट. सो फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इंटू जी. एंड वी नो दैट कि जो वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड है 1960 किलो न्यूटन है, एंड जो रो जी की वैल्यू ऑलरेडी दिया है 1014 न्यूटन पर मीटर क्यूब. वी विल कन्वर्ट हियर इन किलो न्यूटन बिकॉज दिस वेट हैज ऑलरेडी गिवन इन किलो न्यूटन. सो फ्रॉम हियर वी विल डिवाइड बाई 1000, इट विल कम 10.104 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब. ओके फ्रेंड्स, सो वी विल डिवाइड हियर, वी विल पुट इट वैल्यू हियर एंड डिवाइड, इट विल कम 1941.8805. हाउ मच इट विल कम 1962 डिवाइड बाई 10.104. सो इट विल कम फ्रेंड्स 1941.805 मीटर क्यूब. कटिंग फ्रेंड्स, तो हमें एक्चुअल वैल्यू हमने यहां से फाइंड कर लिया है, एंड वी विल डिवाइड दिस वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, देन वी आर एबल टू गेट हियर दिस मोमेंट, दिस मेटासेंट्रिक हाइट. सो मेटासेंट्रिक हाइट कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, मेटासेंट्रिक हाइट हम यहां से, सॉरी यह जो वैल्यू है वह ये वैल्यू है, दिस वैल्यू आई लिस्ट एक्चुअल अपॉन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड. तो ये वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर रहे हैं, इट वैल्यू विल कम 2.253. सो मेटासेंट्रिक हाइट की वैल्यू हमें पता है, दिस टोटल वैल्यू की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया है. नाउ फ्रेंड्स, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बी एंड जी. हियर दिस जी एम मेटासेंट्रिक हाइट 0.999 मीटर ऑलरेडी फ्रेंड्स हमने यहाँ से ये फाइंड कर लिया है, यह वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया यहाँ पर, एक्चुअल वैल्यू फ्रॉम अपन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड की वैल्यू जो कितना है 2.253. सो ये वैल्यू और ये वैल्यू हमें मिल गया है. गेटिंग फ्रेंड्स, ये जी एम वैल्यू इज इक्वल टू 0.999 मीटर एंड दिस वैल्यू ऑलरेडी वी गेटेड हियर. नाउ वी विल पुट इट इन द इक्वेशन. सो जी एम इज इक्वल टू आई लिस्ट अपॉन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड माइनस बी जी. विल पुट इट वैल्यू हियर फ्रेंड्स, बोथ वैल्यू विल पुट इट हियर, देन फ्रॉम हियर वी विल गेट द वैल्यू बी जी. सो बी जी के लिए क्या करेंगे फ्रेंड्स, दिस वैल्यू विल सेंड दिस साइड एंड दिस वैल्यू विल सेंड दिस साइड. सो 2.253 माइनस 0.999, सो इट विल कम 1.254 मीटर. ओके फ्रेंड्स, सो 2.253 माइनस 0.999, इट विल कम 1.254 मीटर. सो फ्रेंड्स, यू सी फ्रॉम हियर फ्रॉम फ्री सरफेस द वैल्यू हैज गिवेन सेंटर ऑफ बॉयंसी 2.25 मीटर, एंड वी नो दैट द बी जी वैल्यू इज इक्वल टू हाउ मच इट हैज कम, दिस बी जी वैल्यू इज इक्वल टू 1.254 मीटर इट हैज कम. सो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दिस सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम द फ्री सरफेस. सो टोटल डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस
minus this BG value, it will give the distance from free surface of the liquid to the center of gravity. Correct, friends? So from free surface of the liquid to center of the gravity distance kitna ho jayega? 2.25 minus 1.254, it will give 0.9959 meter. तो फ्रेंड्स यहां से क्या हो जाएगा, हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी का लोकेशन फाइंड हो जाएगा. गेटिंग फ्रेंड्स? सो आई थिंक बोथ द पॉइंट इट हैज क्लियर दैट फाइंड द मेटासेंट्रिक हाइट एंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द शिप. सो बोथ वी आर एबल टू फाइंड मेटासेंट्रिक हाइट इज इक्वल टू 0.999 मीटर एंड फ्रॉम द फ्री सर्फेस सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल टू 0.9959 मीटर. ओके फ्रेंड्स? सो फ्रेंड्स अगर कहीं भी किसी भी पॉइंट पर आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा फ्रेंड्स. सो फ्रेंड्स मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स. थैंक यू.